and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain, and in today's video, I am going to talk about NKP Salve Institute of Medical Sciences and Research Center and Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur. But before getting into this video, make sure to like, share, and subscribe, and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. तो क्योंकि अभी हम लोगों का concentration जो है NEET PG की तरफ है, क्योंकि अभी उसका result announce हुआ है, तो इस video में मैं basically target करने वाली हूँ MD और MS courses के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एस्टैब्लिश हुआ था कॉलेज 1990 में. ये प्राइवेट कॉलेज है जो एफिलिएटेड है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक से. एक्रेडिशन की बात करें तो MCI का इसे एक्रेडिशन मिला हुआ है. कोर्सेज और फी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये ऑफर करता है MD इन एनेस्थियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, वेनोलॉजी एंड लेपोसी, देन जनरल मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकाइट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन. और ये ऑफर करता है MS इन जनरल सर्जरी, ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में. अगर हम बात करें फीस की तो इसकी जो फीस है वो है 9,61,700 रुपीस पूरे कोर्स की. बट अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको इसकी फीस जो है वो पड़ेगी 35,41,700 रुपीस पूरे कोर्स की. यानी कि ये सिर्फ ट्यूशन फीस है. पीजी की इनटेक कैपेसिटी को अगर हम देखें, मतलब कौन से कोर्स में कितना इनटेक है, तो अगर हम बात करें MD फिजियोलॉजी की तो उसमें 3 सीट्स हैं, देन बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है, एनाटॉमी में 3 सीट है, कम्युनिटी मेडिसिन में 4, फार्माकोलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 4, पैथोलॉजी में 12, देन जनरल मेडिसिन में 18, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 5, डर्मेटोलॉजी में 4, साइकाइट्री में 5, पीडियाट्रिक्स में 8, एनेस्थियोलॉजी में 8, रेडियो डायग्नोसिस में 9, ENT में 5, ऑर्थोपेडिक्स में 8, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 8, जनरल सर्जरी में 12 एंड ऑप्थल्मोलॉजी में 4 सीट्स हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ को. तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो उस कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना कट ऑफ जाएगा हर स्पेशलाइजेशन के लिए. तो अगर हम बात करें पैथोलॉजी के लिए, और ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो पैथोलॉजी के लिए 454 जो है वो क्लोजिंग मार्क्स थे. देन कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 339, डर्मेटोलॉजी के लिए 614, पीडियाट्रिक्स के लिए 558, जनरल मेडिसिन के लिए 581, साइकाइट्री के लिए 528, देन रेडियो डायग्नोसिस के लिए 590, एनेस्थियोलॉजी के लिए 493, जनरल सर्जरी के लिए 535, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए 547, ऑप्थल्मोलॉजी के लिए 547, देन ऑर्थोपेडिक्स के लिए 540, ENT के लिए 504, एंड अगर हम बात करें TB एंड चेस्ट डिसीजेस के बारे में तो उसके लिए 535 जो है वो क्लोजिंग कट ऑफ था. तो ये था मेरा वीडियो अबाउट NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर. मैंने वीडियो में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी मैंने आपको उतनी प्रोवाइड करने की कोशिश की है. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको इस कॉलेज के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए बनाती रहूंगी फ्यूचर में, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.